my dear students, this is the first lecture today for the class 9 for the subject physics. The question is, what is physics? The study of natural phenomena is known as physics. ये पंखा चल रहा है, हमें हवा दे रहा है, हवा क्यों आ रही है ये आपको फिजिक्स बताएगा. मेरे हाथ के अंदर मार्कर है, मार्कर से बोर्ड पे लिखूंगा, बोर्ड के ऊपर प्रिंट क्यों आता है ये आपको फिजिक्स बताएगा. मेरे गर्दन के अंदर, मेरे थ्रॉट के अंदर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये फिजिक्स बताता है. You're driving your car on the road in the summers. आपको लगता है कि दूर रोड पे पानी भरा हुआ है, बट वेन यू रीच टू डेस्टिनेशन देर इज नो वॉटर, ये आपको फिजिक्स बताता है. आफ्टर टूडे इट इज द ब्यूटिफुल वेदर, और बरसात हो रही है, अच्छा मौसम हो रखा है, और रेनबो बन सकता है. रेनबो बनता है, क्यों बनता है ये आपको फिजिक्स बताता है. पानीपत के अंदर 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, दैट इज वॉर्ड रोड को उठाकर हवा में टांग दिया है जिस पे इतना ट्रैफिक चल रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल ये आपको फिजिक्स बताता है. सो द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनाज एंड द डायनेमिक्स इज नॉन एज फिजिक्स. आज हम फिजिक्स का पहला, 9th क्लास का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दैट इज फॉर द चैप्टर मोशन. हमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं और अपने पोर्टल पे डालना है ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन हैं, ताकि उनके लिए 24/7 उनको एक फैसिलिटी रहे कि कोई भी वीडियो उनको उठाकर देखना हो तो उसको उठाकर वो देखें और अपना रिवाइज करें. मतलब 24/7 वो अकेडमिक तरह से अवेलेबल है. हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती है जैसे रेगुलर क्लासेस चलती है, दैट इज टू गिव यू द फील ऑफ ऑफलाइन. और ये वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय मेकिंग द स्लाइड्स, एंड स्लाइड्स इट दे आर डेवलप्ड बाय द टेक्निकल टीम ऑफ सांखला क्लासेस. और ये वीडियोस बनाकर हम पोर्टल पर डाल रहे हैं कि आजकल नेट प्रॉब्लम के कारण, नेटवर्क इश्यू के कारण किसी बच्चे की ऑनलाइन लाइव क्लास है अगर अच्छे से नहीं हो पाए तो वो पोर्टल पर जाए, वीडियो उठाएं और उसको अपना रिवाइज करें. हमारी तरफ से बनती कोशिश, पूरी कमिटमेंट के साथ में सांखला क्लासेस बच्चों के लिए सेवा में अपना पूरा काम कर रहा है कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे. और इसी स्पिरिट के साथ में आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑन मोशन. मोशन का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आज. Whether the body is in rest or whether the body is in motion, आपको ये बताना है तो for that you need a fixed point or the reference point. For this you need the fixed point or the reference point. ये fixed point और reference point क्या है? ये एक माउंटेन हो सकता है, ये एक बिल्डिंग हो सकती है, ये एक ट्री हो सकता है, ये आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है. इट इज द पॉइंट बाय विच वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, वेदर द बॉडी इज इन रेस्ट और वेदर द बॉडी इज इन मोशन. तो फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट क्या है? द पॉइंट बाय विच वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज द फिक्स पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट. इट मे बी ए बिल्डिंग और इट मे बी अ ट्री. तो ये है फिक्स पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट. इस फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि वेदर द बॉडी इज इन रेस्ट और वेदर द बॉडी इज इन मोशन. बॉडी इन मोशन,
बॉडी इन मोशन कब होगा कि ये बिल्डिंग आपका एक फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, एंड दिस मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग और द मैन मूव्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये आपको बता रहा, यहां पर ये बता रहा है द बॉडी इज इन मोशन। When a body is moving towards the fixed point or the reference point, the body is moving away from the fixed point or the reference point, the body is said to be in motion. The position of the body is changing with respect to a fixed point or the reference point, the body is said to be in motion. Okay, the next, when the body is said to be in rest, body in rest. ये classroom है और इस क्लासरूम के अंदर ये सर सांखला खड़े हुए हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, स्टूडेंट्स अपनी बेंचेज पे बैठे हुए हैं, बोर्ड यहाँ पर फिक्स पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। द पोजिशन ऑफ दिस स्टूडेंट्स इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द बोर्ड, सो दिस स्टूडेंट्स आर सेड टू बी इन रेस्ट। So now the two points are clear, whether the body is in rest or whether the body is in motion. Absolute rest. इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। मैं एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हूं, ये सांखला क्लासेस के स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में बैठे हुए थे ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ये सांखला क्लासेस की बिल्डिंग है ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, आपका हरियाणा, आपका भारत, आपका वर्ल्ड ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये सब अर्थ नाम की वोल्वो बस पे बैठे हुए हैं, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सो एवरीथिंग इज इन मोशन बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सो नोबडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। We can show it by the animation. Sun hai and the earth is revolving round the sun. Aur earth ke charo aur moon revolution kar raha hai. सब कुछ हमारा अर्थ के ऊपर है, आपका सांखला क्लासेस, आपका हरियाणा, आपका भारत, आपका वर्ल्ड, आपकी दुनिया अर्थ पे है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सो नोबडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। एक एक एनिमेशन और देखें जिसमें बड़ा सुंदर सा दिखा रखा है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सन है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, सो नोबडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज का नॉलेज होना चाहिए। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की है, द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, those quantities which has only magnitude. अब यहां पे question है कि सर what is magnitude? Magnitude क्या है? Magnitude है numerical value of any physical quantity is known as मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज मैग्नीट्यूड। मैं कहूं माई वेट इज 76 kg, मेरा वजन 76 kg है, तो किलोग्राम यहां पर यूनिट है और 76 वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैं कहूं आई एम ड्राइविंग माई कार फ्रॉम करनाल टू जयपुर विद ए स्पीड ऑफ 100 km/h, तो यहां पर किलोमीटर पर आर ये यूनिट है और 100 इसका मैग्नीट्यूड है। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ।
आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स जयपुर, तो यहां पर मेरी गाड़ी का मैग्नीट्यूड 100 है और डायरेक्शन जयपुर की ओर है, तो जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल है डिस्टेंस है, स्पीड है, और वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। डिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम ऐसे दिखाते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? यहां पर वेक्टर नोटेशन आ जाएगा। स्पीड को हम v से दिखाते हैं, वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर नोटेशन है, ये फर्क है। So this is the difference between the two quantities, that is what the scalar quantities and the vector quantities. Now the difference between distance and displacement. Distance hai, it is the actual path covered by the body, wo hai distance. और डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको आप ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट साइड पे वॉल है और मैं इधर खड़ा हूं स्क्रीन के, मैं चला 1 मीटर, मैं चला 2 मीटर, मेरा डिस्टेंस हो गया है 2 मीटर, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है 2 मीटर। मैं फिर 2 मीटर आगे चला, मेरा डिस्टेंस हो गया है 4 मीटर, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है 4 मीटर। यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा है, कब हो रहा है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्ट्रेट पाथ। मैं 2 मीटर पीछे चलूं, मेरा डिस्टेंस हो गया है 6 मीटर, 4 मीटर में आगे गया, 2 मीटर पीछे आया, मेरा डिस्टेंस हो गया है 6 मीटर, मेरा डिस्प्लेसमेंट रह गया है 2 मीटर, क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन और ये है मेरी फाइनल पोजीशन, जहां से चला वहां से अभी मैं जस्ट 2 मीटर दूर खड़ा हूं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनको मैं खड़ा करता हूं कि ये मेरे इनिशियल पोजीशन पर है। सर इधर आना, इधर खड़े होना, उधर खड़े रहो, हाँ ठीक, आपकी शक्ल दूर रखो बस। तो मेरे पीछे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो लंबे चौड़े हैं, वो स्क्रीन में आएंगे नहीं, इसलिए उनको दूर ही खड़ा किया हुआ है। तो ये मान लो कि वो सर सांखला है, हालांकि सर सांखला इनसे शरीर में आधे ही है। मैं 2 मीटर पीछे चला, उसी पोजिशन पर चला गया जहां से चला था, मेरा डिस्टेंस हो गया 8 मीटर, 4 मीटर आगे गया, 4 मीटर पीछे आया, मेरा डिस्टेंस हो गया 8 मीटर, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0। इसका मतलब डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट मे इंक्रीज मे डिक्रीज और इट मे बिकम 0। अब मैं 2 मीटर पीछे चला जाता हूं तो मैं आपकी स्क्रीन से बाहर निकल जाऊंगा, मेरा हाथ देखते रहो, अब मेरा डिस्टेंस हो गया है 10 मीटर और मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है -2 मीटर। दैट मींस द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और द 0। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट मे इंक्रीज डिक्रीज और इट मे बिकम 0। When the distance equals displacement, when a body moves in a particular direction in a straight path. So this is the difference between distance and displacement. Points हैं स्क्रीन पर, है मैं डिस्प्ले कर देता हूं, एक बार आप रीड कर लें।
डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. बच्चों, जब से हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, जब से आए हैं, आपकी एक चीज इंक्रीज हो रही है, वो है डिस्टेंस. अगर आप गेड़ी ज़्यादा मारेंगे तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो आपको अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप गेड़ी ज़्यादा मारें. अच्छे बच्चे वो हैं जिनका इस दुनिया में डिस्टेंस कम रहे, जो गेड़ी कम मारे. हाँ, डिस्टेंस उतना कवर करो कि कम से कम एनर्जी में आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. जहां पर आउटपुट ज्यादा हो ऐसा डिस्टेंस आप कवर करें. हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है कब? कि आप घर में पैदा हुए थे, घर से गए और घर में लौट के आ जाते हो, तो डेली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है. हाँ, किसी बच्चे को अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं करना है तो घर बार छोड़ दें. सो दिस इज हाउ द डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट. ये एक इलिस्ट्रेशन है और ये इलिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एक बॉडी है, पॉइंट ए पर है, वो पॉइंट बी पर आती है, फिर पॉइंट सी पर आती है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी. अब डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो पहले बॉडी ए से बी चलती है 8 किलोमीटर, तो मैं 8 को जोड़ दूंगा. फिर बी से सी पर चलती है 6 किलोमीटर, तो मैं 6 को जोड़ दूंगा. तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया है 14 किलोमीटर. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. और ये हो जाएगा कि बॉडी ए से बी पे गई, बी से सी पर गई. अब ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है. ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है. द शॉर्टेस्ट पाथ ये कितना है? 10 किलोमीटर. तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है 10 किलोमीटर. वैसे इसने दे दिया है, तो मैंने सीधा बोल दिया है कि ए से सी के बीच की दूरी है वो 10 किलोमीटर दी हुई है. ना दी हुई है तो क्या है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और पाइथागोरस थ्योरम से आपको इस ये वी गॉट दिस ट्रायंगल ए बी सी. तो इस ट्रायंगल के अंदर बेटा इंटरैक्टिव पैनल है, हल्का सा इधर टच हो जाता है, थोड़ा जादू हो जाता है, तो थोड़ा जादू देख लो बीच बीच में. तो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है. मान लो आपको अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एंड दैट इज व्हाट एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आप इससे एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये एक इलस्ट्रेशन है जहाँ पर आपको बताता है कि किस तरह से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें. आई विल टेक सम मोर इलस्ट्रेशंस. इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा
ये देखें, ये इलस्ट्रेशन भी है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसने आधा सर्कल दिखा रखा है और इसकी रेडियस, ये रेडियस है वो आर दे रखी है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ए रिवोल्यूशन। हाफ ए रिवोल्यूशन मींस द बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए और आके बॉडी रुकती है पॉइंट बी पर। तो हमें कहता है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो इसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पर डिस्प्ले कर देता हूं, आप एक बार देखें क्या आपको ये समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया नहीं आया, आना चाहिए, नहीं आया तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डिस्टेंस है, अगर एक बॉडी है एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और वो होता है 2πr। लेकिन ये हेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। दिस इज द आर्क, इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जब रेडियस हमारे को आर दे रखी है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर प्लस आर इस डायमीटर के बराबर, ये सर्कल का डायमीटर है एंड दैट विल बी 2r, जैसा आपको यहाँ पर सोल्यूशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फैंटास्टिक इलस्ट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मोशन। आज आपको मोशन का इंट्रोडक्शन करवाया है, आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो डलते रहेंगे और आप सीक्वेंस से देखते रहें। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर जाके और सांखला क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, वेबसाइट को विजिट करें, एकेडमी को एक्सप्लोर करें, एकेडमी की क्वालिटीज़ देखें। यूट्यूब के ऊपर जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं वो 2-3 दिन तक ऑन रहते हैं, वीडियोस को देखें, टीचिंग की क्वालिटीज़ देखें, सांखला क्लासेस फैमिली के मेम्बर्स बने। थैंक यू।